बच्चों, आज हम जानेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम के बारे में, लसर के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम होता क्या है। तो जैसा कि हम इसके नाम से समझते हैं, लीस्ट माने कम से कम या छोटे से छोटा, कॉमन जो कि कॉमन है, हमें दो या दो से ज्यादा नंबर मिले जिनमें हमें कुछ कॉमन एम यानी मल्टीपल्स देखने हैं। यानी हमें अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स मिले हैं तो हम उनमें देखेंगे कि ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं उनके जो कि कॉमन है। अब बात आती है मल्टीपल्स की, हमें कॉमन मल्टीपल्स तो ढूंढने हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि मल्टीपल्स कैसे हम फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल्स को हम कैसे फाइंड आउट करें। बच्चों, इसके लिए हम अपनी जो पिछली वीडियोज है उनमें बता चुके हैं, जिनमें हमने फैक्टर्स को फाइंड आउट करना और मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना सीखा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें फिर भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटे से छोटा कॉमन यानी जो दोनों में समान हो मल्टीपल, मल्टीपल यानी अपवर्तक। तो इसको हम लसर भी कहते हैं। यहां पर हम शुरू करेंगे, हमें दो नंबर्स लिए हैं 6 और 8। इनके हम पहले क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स निकालने के लिए कोई भी नंबर अगर हमारे पास है तो उसके मल्टीपल्स निकालना बिल्कुल आसान है। उसको 6 को, सपोज हमने 6 का मल्टीपल्स निकालना है, तो 6 के मल्टीपल्स निकालने के लिए आप करेंगे 6 × 1 6 हो गया, 6 × 2 तो हो गया आपका 12। इस तरह से आप आगे बढ़ाते जाएंगे इसको, 6 × 3 ये हो गया 18, 24, 30, 36 और इस तरह से आप आगे इसके मल्टीपल्स को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी फैक्टर्स में क्या था कि केवल उतने ही फैक्टर्स निकाल सकते थे जितने कि आपको सॉल्व करके निकले हैं, लेकिन मल्टीपल्स में क्या है, मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। यानी 6 को आप जितनी भी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे उसके आगे 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 वाली आगे वाली डिजिट से, तो उसके जो मल्टीपल्स है उतने ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से अब हम निकालेंगे 8 के मल्टीपल्स। तो जैसे हमने 6 के निकाले, आप देखें तो इसको एक तरह से 6 की टेबल है, लेकिन अब जो टेबल है वो आपकी 10 तक चलती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल 10 तक ही मल्टीपल निकलेंगे। अब अगर हम 6 को 11 से कर दें, 21 से कर दें, 31 से कर दें या 42 से कर दें, तो वह भी उनके सब मल्टीपल्स होंगे। अगर हम 6 को 104 से भी कर दें तो भी हमारा जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आए वही 6 का मल्टीपल हो गया। यानी 6 को हमने जिन जिन नंबरों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब जो नंबर हमारे पास आए वे सब हमारे मल्टीपल्स होंगे। इसी तरह हम 8 के लिए ले सकते हैं। 8 के मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्योंकि इनको इस तरह से कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्रम से कर रहे हैं, ऑर्डर से कर रहे हैं कि पहले हमने 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से। तो इसी तरह से 8 को जब हम करेंगे तो 8 का आ गया आपका, 8 को 1 से किया तो 8 आया, नेक्स्ट आया आपका 16, 24, 32, 40। अब इसी तरह से आप इसके मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हुई मल्टीपल्स वाली चीज कि आप मल्टीपल्स को कैसे निकालेंगे। तो मल्टीपल्स को निकालना तो बहुत आसान है। इसके बाद आता है लीस्ट, हो गया मतलब मल्टीपल्स हो गया। अब हम देख रहे हैं कॉमन, यानी हमें इनमें जो कॉमन मल्टीपल हैं इन दोनों नंबर्स में उनको देखना है। तो कॉमन हम यहां देखें कि 6 का यहां पर नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, 12 का देखें तो ये यहां पर नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, 18 भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। इसके बाद हम देखें 24, तो 24 यहां भी है और यहां भी है, तो इस तरह से जो 24 है वो आपका कॉमन है। आगे हम देखें, अगर हम इनके मल्टीपल्स को आगे बढ़ाएं, सपोज यहां हमने 6 का किया तो ये हुआ आपका 42, 48, और इसी तरह से हम इसका भी करें 8 का भी तो ये आया आपका नेक्स्ट 48। तो बच्चों, इस तरह हमने थोड़ा आगे बढ़ाने पर देखा कि इनका दूसरा कॉमन मल्टीपल हमको मिल गया। तो हमने यहां मल्टीपल्स अगर हम देखें कि मल्टीपल्स तो हमने निकाल लिए ये इस तरह से, इसके बाद कॉमन मल्टीपल अगर हम देखें, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 और 8, यहां तक हमें जो मिले हैं वो है 24, 48। अगर इसके आगे भी हम इसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, क्योंकि सबसे पहला जो मल्टीपल मिला है हमारा
वो है 24। तो हम यहाँ कह पाएंगे हमें जो मल्टीपल ढूंढना है कॉमन मल्टीपल वो देखना है छोटे से छोटा, यानी सबसे पहला मल्टीपल हमें जो मिलेगा वही होगा। यहाँ पर आप देखें 24 छोटा है किससे, 48 से। तो क्योंकि 24 स्मॉलर है तो हम यहाँ कहेंगे कि 24 इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, यानी 6 और 8 का जो एलसीएम है वो क्या है, 24। इस चीज को तो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके और भी कॉमन मल्टीपल्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है। अब सपोज हमारा सबसे पहला जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल निकला था वो था 24, तो 24 आपका फर्स्ट है तो आप देखें 24 × 1 ये 24 ही है। इसका अगर हम सेकेंड नेक्स्ट निकालना चाहते हैं तो ये हो गया आपका 24 × 2, तो ये हो गया 48। इसी तरह से आप 24 × 3 करके 72 निकाल सकते हैं। इसी तरह 24 × 4, यानी इस प्रोसेस को आप जितनी बार करते जाएंगे तो 6 और 8 के उतने ही आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। लेकिन आपको कॉमन मल्टीपल्स कहां तक फाइंड आउट करने, जहां तक आपको जरूरत है अगर, तो आपको केवल सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिल जाता है वही हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम को समझने के लिए हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है, यहां हमने दो ही नंबर लिए हैं, दो से ज्यादा भी अगर नंबर हो तो भी हम क्या करेंगे, उनके पहले मल्टीपल्स निकालेंगे और उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको लिखेंगे, और कॉमन मल्टीपल्स मिलने के बाद हमें लीस्ट यानी छोटे से छोटा, सबसे छोटा या सबसे पहला जो मल्टीपल है वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा एलसीएम या लासा होगा। बच्चों ये तो हुआ आपका कि लासा कैसे निकालें या एलसीएम कैसे निकालें। इस एलसीएम को समझने के लिए आज हम एक एक्टिविटी का यूज भी करेंगे जिससे आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम और किन किन तरीकों से एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये चार्ट बनाया हुआ है 1 से लेकर 100 तक का। तो यहां पर आपने सिंपल काउंटिंग लिखी हुई 1 से लेकर 100 तक की। यहां पर आपको जिन जिन नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, उनके मल्टीपल्स को निकालेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल्स को निकालेंगे। मल्टीपल्स को निकालने के लिए हमने क्या किया है कि अलग अलग जो नंबर हैं उनके लिए हम अलग अलग तरह के पेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर सपोज 6 के लिए हमने किया है ब्लू कलर का पेन और 8 के लिए हम करेंगे रेड कलर का पेन। अब हम देखेंगे कितनी सिंपल प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं कि 6 और 8 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कितना आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 6 के जो मल्टीपल्स हैं उन पर रिंग बनाएंगे, गोला बनाएंगे, और वो जो बनाएंगे वो किस कलर से बनाएंगे, ब्लू कलर से बनाएंगे। तो हम यहां 6 के मल्टीपल्स लेते हैं तो सबसे पहले आएगा 6 का मल्टीपल 6 है, यहां हमने ब्लू कलर से एक सर्कल बना दिया। इसके बाद 6 का दूसरा मल्टीपल है यानी 6 की टेबल के हिसाब से आपको जाना है, 6 × 1 हो गया, फिर हो गया आपका 6 × 2 यानी ये हो गया आपका 12। इसके बाद एक 6 × 3 ये हो गया 18। इसके बाद 6 × 4 ये हो गया आपका 24। फिर हुआ आपका 30 और 30 के बाद में हुआ आपका 36। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ये हो गया आपका 42 और ये हो गया 48। हमने अभी यहीं तक इसको सर्कल किया है, आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए यानी हमें केवल पहला वाला जो सर्कल मिल जाएगा उसी से हम समझ जाएंगे कि यही हमारा एलसीएम है। तो यहां पर आप इस प्रोसेस को चाहें तो आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ 6 के मल्टीपल्स हैं उनको हमने सर्कल किया हुआ है। इसके बाद हमने लिया है 8 के मल्टीपल्स के लिए हम कलर लेंगे रेड कलर। तो यहां पर जहां जहां 8 के मल्टीपल्स हैं 8 × 1 ये हो गया हमारा पहला सर्कल। अब हुआ 8 × 2 यानी 16, ये हो गया दूसरा वाला सर्कल। तो बच्चों आपको इस प्रोसेस में ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सबसे पहले दोनों कलर के जो सर्कल हैं उस नंबर पर आ जाए। जिस भी नंबर पर दोनों कलर के सर्कल सबसे पहले आ जाएंगे वही नंबर हमारा एलसीएम होगा। तो अभी तक तो यहां तक 20 तक तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जिस पर दोनों कलर के सर्कल हो यानी रेड भी हो और ब्लू भी हो। आगे देखते हैं हम 8 × 1 हो गया, 8 × 2 हो गया और नेक्स्ट आया आपका 8 × 3।
बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जो 24 है यहां पर पहले से ही ब्लू कलर का सर्कल था और अब हमने जब रेड कलर का जो मल्टीपल था वो भी यहीं पर आ रहा है, यानी हमारा सबसे पहला नंबर जिस पर दोनों कलर के सर्कल थे वो हमको मिल गया। तो इस एक्टिविटी की हेल्प से हम आसानी से कह सकते हैं कि जो एलसीएम है 6 and 8 का इज कौन सा है 24, क्योंकि इस पर ये वाला भी सर्कल है रेड ब्लू कलर का और रेड कलर वाला भी सर्कल है। अगर हमारे पास 2 की जगह तो ये 2 से ज्यादा नंबर हो, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। 3 नंबर्स लिए हमने, सपोज एक और नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 12। अब इस 6, 8 और 12 तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो निकालना है इसके लिए हमने क्या किया था, 6 के लिए लिया था हमने ब्लू कलर और 8 के लिए लिया था रेड कलर, तो 12 के लिए भी हमें कोई दूसरा कलर लेना होगा। तो सपोज यहां पर हमने 12 के लिए ले लिया ग्रीन कलर, तो इस प्रोसेस को हम फिर से इनके लिए जो 12 के लिए है वो शुरू करते हैं। 6 और 8 के मल्टीपल्स हम यहाँ जान चुके हैं कि कौन कौन से हैं। अब हमें यहाँ पर इसमें ऐड कौन से करने हैं, 12 के मल्टीपल्स। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 12 into 1, तो ये हो गया आपका 12। यहां पर आप देखें जहां पर भी, अगर हमें यहाँ पर 3 नंबर्स हैं जिनके लिए हमने 3 कलर्स लिए हैं, तो वह नंबर जिस पर सबसे पहले तीनों कलर के सर्कल आ जाएंगे वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहां पर आप देखेंगे 12 into 1 हो गया 12। इसके बाद में आप देखेंगे 12 into 2, ये हो गया 24। तो यहां पर आपने देखा कि जो 12 है उसका फर्स्ट मल्टीपल था 12, सेकेंड है 24। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 12 पर ब्लू कलर का भी सर्कल है, रेड कलर का भी सर्कल है और यहाँ पर अब ग्रीन कलर का भी सर्कल है, यानी तीनों कलर जो नंबर थे इनके लिए जो हमने तीनों कलर्स लिए थे उनके लिए जो सर्कल है वो कहाँ पर आया, 24 पर आया। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 6, 8 and 12 इनके लिए भी जो एलसीएम है हमारा कितना है 24। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा सर्कल आया है, 6 वाला भी सर्कल आया है क्योंकि ये 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी सर्कल आया है क्योंकि ये 8 का भी मल्टीपल है और यहां पर ग्रीन कलर भी आया है क्योंकि ये है 12 का भी मल्टीपल है। तो इस एक्टिविटी की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से अलग अलग कलर के पेन का यूज करके और आसानी से एलसीएम को फाइंड आउट करना सीख सकते हैं।